वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई का मेंस का क्वेश्चन जो 22 जुलाई 2018 को ली गई थी। मेंस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 80 जीएस के होते हैं। आज इस वीडियो में हम 80 जीएस का क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर यह होगा बी नंबर, जीरोप्थैल्मिया। सुनहरा चावल जीरोप्थैल्मिया को बचाव करने में सहायक होता है। सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड फैलता है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड क्या से फैलता है? छूने से, कीट बाही से। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पानी खाद्य पदार्थ से। टाइफाइड को आंत की बुखार भी कहा जाता है। यह पानी, गंदे पानी एवं गंदे खाद्य पदार्थ से फैलती है। आगे देखेंगे फोर नंबर, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियां होती है रोहू और कतला। तो ए नंबर और सी नंबर सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ए एंड सी। इलेक्ट्रिक रे एंड कुत्ता मछली, ये दोनों समुद्री मछली है। आगे देखेंगे फाइव नंबर, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, कामेट मकालू, मामचा वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कामेट भारत के उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है, यह कहाँ है? नेपाल में स्थित। मकालू नेपाल तथा तिब्बत में स्थित है, मकालू पर्वत चोटी नेपाल तथा तिब्बत में स्थित है। मामचा वर्मा, इसे नामचा वर्मा के नाम से भी जानते हैं, नामचा वर्मा, यह तिब्बत में स्थित है। आगे देखेंगे सेवन नंबर, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है? तो इसका सम्मेलन किया गया था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में। आगे देखेंगे आठ नंबर, भारत वर्ष का नूनमट्टी तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो नूनमट्टी असम के गुवाहाटी में स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो हुमायूं नामा हुमायूं की आत्मकथा है और यह गुलबदन बेगम अकबर के कहने पर लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। बाबर का आत्मकथा है बाबर नामा, जो कि तुर्क भाषा में लिखी गई है। आगे देखेंगे टेन नंबर, श्री शहर और श्री का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा। तो चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, यह मकबरा सासाराम में झील के बीच में स्थित है। तेरा नंबर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। आगे देखेंगे
गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो गुप्त काल के प्रथम गणितज्ञ हमारे आर्यभट्ट थे। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन के पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, फर्स्ट ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, तथा लास्ट एवं 24वें कौन थे? महावीर। महावीर। आगे देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। सबसे पहले इन्होंने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 1925 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तथा यह अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी यह अधिवेशन? तो यह कानपुर में हुई थी। अगर बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। 1917 में एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला थी, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। 1933 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? श्रीमती नेली सेन गुप्ता। सेन गुप्ता। तो इस तरह से तीन बार ऐसा हुआ है जिसकी अध्यक्षता महिलाएं की है। पहला 1917, दूसरा 1925 और तीसरा 1933। आगे देखेंगे 18 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में हुई थी, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बंटे थे? तो उस टाइम 8 प्रांत में बंटे थे। सी नंबर आंसर होगा 8 प्रांत। आगे देखेंगे 20 नंबर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1885 ईस्वी की बात करें तो 1885 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? डब्लू चंद बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1905 ईस्वी में करजन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 1907 ईस्वी में सूरत का विभाजन हुआ था। 21 नंबर देखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। इन्होंने 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में, और वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में की थी, तथा राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना 1828 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और वर्ष है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 12 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था और कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा की थी। आगे देखेंगे 23 नंबर, वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है बिहार, इसमें 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके वित्तीयन जो IMF के सदस्य देश हैं इनके द्वारा IMF का वित्तीयन किया जाता है। 25 नंबर, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो इसकी संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि यदि CRR मींस कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो सेल गेल वेल ये सब महारत्न कंपनी है, BSNL महारत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से बहुआगामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प्रत्येक प्राचल को सम्मान भर दिया गया, ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। 29 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू थे। 30 नंबर, निम्न में से उनकी पहचान करें जो RBI रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना RBI ही करती है, जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना, ये RBI का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, नगद आरक्षण का संरक्षण भी RBI ही करती है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी एवं राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में हुई थी। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन के उत्पादन में वृहद का कारण है? तिलहन के उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो यह है पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन एवं भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। 32 नंबर, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है केरल में, केरल राज्य में ही साक्षरता दर सबसे अधिक है, यहाँ साक्षरता दर कितने हैं 94% एवं सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। भारत WTO का सदस्य 1945 से ही है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रभाव में नहीं था,
संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो पहले मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, इसको शामिल किया गया है भाग चार के क में। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग चार के क यानी या अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा डी नंबर। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है हेगेल। ए नंबर आंसर होगा हेगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे देखेंगे 38 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुई थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा किया गया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1909 के भारत सरकार अधिनियम को। इसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1892 का भारत परिषद का मुख्य विशेषता था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। 1892 में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर होगा अधिग्रहित संपत्ति। अधिग्रहित संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। बाकी के तीन ऑप्शन वंशानुक्रम जन्म देशीकरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा अपना उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। 43 नंबर, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो बिहार में द्विसदनीय है, यूपी में भी है, पंजाब में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, अनुच्छेद 15, 16, 19 तथा 29। अब अनुच्छेद 15 में क्या है हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 15 में है जाति लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों को हितों एवं हित में संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं उनके हितों में संरक्षण।
तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत कथन चुनिए, इसमें से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। बिल्कुल सही है, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, सतकथन चुनिए, कौन सा इसमें सही है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा 25 पे। गणपूर्ति मीन्स 1/10 सदस्यों की, 1/10 सदस्य को गणपूर्ति कहते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, इसका 1/10 25 होगा। इस तरह से इसका सही आंसर 25 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया द्वारा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन इसका सही आंसर होगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, फुलेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, कार्बन के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बेल धातु। बेल धातु में क्या होता है? कॉपर प्लस टिन, बेल धातु में होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। हाँ, बेल धातु से ही घंटी बनाई जाती है। गन मेटल में क्या होता है? तो कॉपर जिंक प्लस टिन, ये क्या होता है गन मेटल में। 51 नंबर, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, एस्बेस्टस के कारण फेफड़ों का सफेद कैंसर होता है। संसद की प्राकलन समिति है, तो संसद की प्राकलन समिति जो, प्राकलन समिति अस्थाई समिति है, संसद की अस्थाई समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या, प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें टोटल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। प्राकलन समिति का कार्यकाल मई से, हर साल मई में शुरू होती है तथा 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है। इस तरह इसका कार्यकाल 1 साल का ही होता है, मई में शुरू होती है और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है। आगे देखेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, इसमें गलत कौन से है? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, तो बिल्कुल ये गलत है, यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। बाकी के अन ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति का वित्त आयोग का वर्णन 280 में है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, बिल्कुल ये भी सही है। इस तरह से इसका सही आंसर ए नंबर होगा। 54, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, इसकी मात्रा कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल होता है। आगे देखेंगे 55 नंबर, ऊर्जा का स्तूप होता है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड, तो यह हमेशा सीधा होता है, बी नंबर ऑप्शन, यह हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो क्रिकेट बैट बनाने में बिल्लो पेड़ का उपयोग
किया जाता है। इसी पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का बैट बनता है। आगे देखेंगे 57 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिम्बो न्यूसीफेरा, डी नंबर इसका कमल का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखेंगे जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान को पिता अरस्तु को कहते हैं, ए नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा एक कुटफल है? तो कुटफल क्या है इसमें? ड्रप एक कुटफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? नेपेंथीज, बी नंबर नेपेंथीज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, चीन से कंपनी से चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, बाकी के जितने अधिकार दिए गए थे वो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत वापस ले लिए गए, बस यही अधिकार दिया गया कंपनी को, चाय से व्यापार को सुरक्षित रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10^12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ये क्या है? तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यह रॉकेट प्रणोदक पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लियर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लियर के भांति कार्य करता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, यदि वायुमंडल दाब पारे से 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी किस तापमान पर उबलेगा? तो पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही उबलने लगेगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। सूर्य व तारा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य तारा में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य तारा में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन से सूर्य और तारा बना होता है। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। पेय जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, ब्रांड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है? इसका सही आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ियां में क्या फसल होती है? संतरा। संतरा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे देखेंगे 71 नंबर, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो इसका संशोधन 1988 में किया गया था। और वन नीति आया कब था? 1952 में, और संशोधन किया गया 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफा क्या है? तो नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
क्या होगा सी नंबर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आगे देखेंगे पशुओं के रेड सिंधी नस्लें किस घरेलू पशुओं में से संबंधित है, तो रेड सिंधी नस्लें है गाय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हम सबको पता है इंदिरा पॉइंट है, और स्थलीय की बात करें तो सबसे दक्षिण में है स्थल में कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है, तुतीकोरिन यह भी तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे 25 नंबर, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। 27 नंबर, नामदफा वाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ का एक और वाघ अभयारण्य है उसका नाम है पाकुई, पाकुई वाघ अभयारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। केरल में क्या है, तो केरल में पेरियार, पेरियार वाघ अभयारण्य केरल में है। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अनमलाई मुदुमलाई, अनमलाई और मुदुमलाई तमिलनाडु का वाघ अभयारण्य है। बिहार में मात्र एक वाघ अभयारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आगे देखेंगे 28 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। यह दक्षिण भारत की नहीं है, पश्चिमी घाट पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा अंग HCL स्रावित करती है, तो HCL स्रावित क्या करती है आमाशय। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंग है, और अग्नाशय को अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। यकृत से हिपेरिन नामक क्या है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद यकृत से ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह परियोजना स्थित है कोलाल पावर गुजरात में। सही आंसर होगा ए नंबर, यह गुजरात में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।